अभी साजिद भाई स्लो स्लो चले, हमें यहाँ पे एहसान लिगारी साहब ज्वाइन करेंगे। हम आ गए एहसान लिगारी साहब के पास, वो सामने नहीं, वो भी नहीं है, तो चलें देखते हैं हम एहसान भाई के पास आए। जी भाई भाई, भाई। मैं वापस घर आ चुका हूं और अभी मिलते हैं सामिर बेटे से। ईद मुबारक। चले, मेरे जैसे मर नहीं हो रहा सामिर बेटा, पता नहीं कहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है कि वहां बैठा हुआ है। अभी देखते हैं कि सामिर बेटा कहां है, पहले यहां अपने घर में देख लेते हैं। मुझे पता है कि सामिर बेटा यहां पे नहीं होगा। चलो, जान माल यहीं पर रख देंगे, क्या कहते हो? हाँ, यहाँ पर सामिर बेटा नहीं है, तो सामिर बेटा बड़े घर में। सामिर बेटा अस्सलाम वालेकुम बोलो गैस को। सामिर बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, सामिर बेटे को बुखार है, तो अभी घर जा रहे हैं सामिर बेटे को जूस देने के लिए। तो अभी सामिर बेटे को जूस पिलाते हैं। इधर देखो सामिर बेटा, गैस को ड्रेस तो दिखाओ, माशाल्लाह अपनी है। ये देख रहे हैं सामिर बेटे ने और मैंने एक जैसी ड्रेस पहनी है, तो ये देखें ये माशाल्लाह। सामिर बेटा अस्सलाम वालेकुम बोलो गैस को। टोपी थोड़ी सी सीधी कर लूँ मैं आपकी, हैं अब सही है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और ये जी माशाल्लाह सामिर बेटे ने हाथों पे मेहंदी भी लगाई हुई है, हैं, और यहाँ पे ये एस भी लिखवाया हुआ है सामिर बेटे ने, है ना सामिर बेटा? गाइस को अस्सलाम वालेकुम बोलो, गाइस को अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, सामिर बेटे की तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो, है सामिर बेटा, है ना? तो अभी जूस पिए, डन करो, ऐसे करो, डन करो वीडियो को, दा वीडियो को लाइक करना, दा मत भूलिएगा, हैं? चलो अभी जूस पीते, ठीक है? हाँ बस बस बस, व्लॉग भाई, व्लॉग सामिर बेटे ने कह दिया बंद कर दो, मतलब बंद कर दो। अभी अभी मैं साजिद भाई के पास आ गया हूँ और सामिर बेटा भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे हो साजिद भाई? खैरियत अल्लाह का, ठीक ठाक हो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अभी मैंने आपके बेटे को शायद देखा किसी के साथ बाइक पे जा रहा था। नहीं नहीं, मेरे साथ था। आपके साथ ही है? अच्छा, वो जैसे ही बाइक गुजरी ना, मैंने समझा आपका बेटा उसके साथ बैठा हुआ, शायद उसका चाचू हो यहाँ, मैंने ये समझा। और सुना साजिद भाई, ठीक है? खैरियत है, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रोग्राम है शहर जाने का बच्चे को लेके? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है आपका? फिर मैं हो आऊँ शहर से, मैं तो जा रहा हूँ अभी सामिर बेटे को लेके। क्यों जा रहे हो? वो रो रहा है बेकरी पे जाने के लिए। ठीक है चलते हैं फिर, जैसे जैसे आपकी मर्जी। नहीं मैं भी उठा रहा हूँ अपना। हाँ हाँ उठाओ अपना निशानी, हाँ बच्चा। तो अभी साजिद भाई भी आ रहे हैं और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह शहर बच्चों के साथ, और बच्चों को आइसक्रीम वगैरह लेके देंगे और आप लोगों को शहर का हो सका तो माहौल भी दिखाएंगे, क्योंकि रश है, मुश्किल है दिखाना, रिकॉर्ड करना मुश्किल है। और ये हमारे दीन मोहम्मद भाई, मेहरबानी मेहरबानी, ओके हो गया। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह राजी बाजी कर लिया है, उनको बेकरी से चक्कर लगवाया है और उनको खिलाया पिलाया है, क्यों साजिद भाई? हाँ, तो अभी मैं और साजिद भाई जा रहे हैं चक्कर लगाने, और एहसान भाई के पास थोड़ा काम भी है हमें, तो इंशाल्लाह चलते हैं, एहसान लिगारी साहब से भी मिलते हैं और आप लोगों को जो है थोड़ा सा ईद का माहौल दिखाते हैं। उस टाइम हम थे बच्चों के साथ, तो मैं बच्चों के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, साजिद भाई हैं ये, क्योंकि पूरा ध्यान जो है वो बच्चों पे होना चाहिए। तो थोड़ा जो मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था वो भी मैंने गांव में ही रिकॉर्ड किया था, बाहर रिकॉर्ड नहीं किया मेन रोड पे, यहाँ पे खाली रोड था, तो मैंने अपना भी वीडियो बनाया साजिद भाई के बेटे का, सामिर बेटे का। तो बस अभी चलते हैं और अभी हम हुसैनी चौक पर पहुँच गए, आप लोगों को हुसैनी चौक पर रश दिखाते, रश के रहा कैसा बड़ा जाता साई, ये देखो। Above the skies and over sea, I hear them all those places call me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Dream. Oh, 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 you in run with you.
रश चेक कर रहे हो कैसा है? हे अद्दा साईं, रश चेक कर रहे हो ईद के दिन शहदाद कोट में कैसा है? हाँ, ये बस साजिद भाई की मेहरबानी है जो आप लोग शहदाद कोट घूम रहे हो, साजिद भाई की मेहरबानी की वजह से है। साजिद भाई, मेरी ऐसी कोई बात नहीं। आप लेके आए हो ना, आप लेके आए हो ना? हाँ, आप लेके आए तो फिर आप ही घुमा रहे हो ना, ध्यान से भाई। कोई बात नहीं। मदीना बेकर्स, माय फेवरेट बेकरी इन शहदाद कोट। जामिर बेटे को भी मैं यहीं पे लेके आया था सुबह, और जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं दी मदीना बेकर्स पे ही आता हूँ। तो आप भी आए और हम आते आते कोटू मोटू चौक पे पहुँच गए। ये देखें, रशी रशे क्या दिखाएं आप लोगों को, है रश ही रश है, अद्दा साईं चारों तरफ रश है। आज दिखाते हैं आपको, उसके बाद जो हम फिर और कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बस यहाँ से फारिग होते हैं तो फिर एहसान भाई से मिलने चलते हैं। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. आने करें जरिए सब्सक्राइब किए जाए आदिल चिल्रो। और अभी साजिद भाई स्लो स्लो चले, हमें यहाँ पे एहसान लिगारी साहब ज्वाइन करेंगे। हम आ गए एहसान लिगारी साहब के पास, वो सामने नहीं, वो भी नहीं है। तो चलें देखते हैं, हम एहसान भाई के पास आए। जी भाई, भाई, भाई। यहीं पे खड़े रहना। अबे किधर भाग रहा है ये? देखो व्लॉग ऑन था, व्लॉग ऑन था, पहले हाथ हिला लो। ये देखो एहसान भाई हमें मिल गए यहाँ पे, आओ। अच्छा चेट लिया। तो एहसान भाई हमें मिल गए, अभी एहसान भाई से मिलते हैं, ईद मुबारक मिलते हैं। और एहसान भाई के पास जो आपने पिछले बाइक वाले व्लॉग में क्या कहते हैं वो, जो आपने एक क्लिप देखा डॉन होटल पे हम ब्रोस्ट खा रहे थे, तो वही मैं एहसान भाई से लेने आया हूँ और एहसान भाई से ईद भी मिलने आया हूँ। अब देखते हैं एहसान भाई कहाँ से निकलते हैं। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक एहसान भाई। क्या हाल चाल है एहसान भाई? और एहसान भाई सुना है कैसी ईद गुजरी है? ईद का आधा दिन कैसा गुजर गया? बस ऊपर ही बैठे हैं। अच्छा, ईद के बाद ऊपर ही बैठे हो? बस ऊपर ही बैठे। सही सही, माशाल्लाह। चलें एहसान भाई। अल्लाह सोनी लिखा दे। ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, मजा में मिल लो। ईद मुबारक। चाय वती हुई चाय वती हुई चाय वती विसरी यार तकर तो करे चवंदो आया जदे भी कारखाने ते भी अचे वती हुई चाय। हाओ अल्हम्दुलिल्लाह, आने वटी दा चो सही। और ये माशाल्लाह तीनों भाई एहसान भाई के दोस्त हैं। नजीर भाई जी, बिलाल भाई माशाल्लाह, अली रजा माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे ये ईद एंजॉय हो रही है। कि ये डेली रूटीन है? नहीं नहीं, ईद एंजॉय हो रही है। अच्छा सही सही माशाल्लाह। तो अभी इन प्यारे दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एहसान भाई से मिलनी है, अभी उनके भाई से मिलना बाकी है, रजा भाई से और शान भाई से। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं अगर रजा भाई सीधो 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 सीधा सीधा और देखते हैं रजा भाई और शान भाई हमें मिल गए तो उनसे भी ईद मिलते हुए इंशाल्लाह फिर वापस घर की तरफ जाएंगे। जो मुझे डाटा चाहिए था एहसान भाई से वो मैंने ले लिया है, जो आप लोगों ने पिछले व्लॉग में अब तक देख भी लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना रजा भाई कैसे हैं?
ठीक ठाक। सबसे पहले आपको अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी, मुबारक खैर मुबारक। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अदर भाई और सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक, बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पोस्ट देखी फेसबुक पे आपको, अच्छा बात भी दी। जी जी बिल्कुल। सामिर बेटे को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और सुनाए आप ठीक ठाक है माशाल्लाह? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और रजा मुस्तफ़ा भाई एहसान भाई के बड़े भाई हैं माशाल्लाह। तो वो मीडियम का है शान भाई आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं भाई, बाहर गए दोस्तों। एहसान भाई से अभी मिल के आ रहे हैं। जी जी बाहर शान भाई आराम कर रहे हैं। अच्छा सही सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह कहीं जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ले जाए और इंशाल्लाह खैर खैरियत से वापस ले आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। रजा भाई से मिलनी है, शान भाई हमें नहीं मिले, तो हम अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। टाइम दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी गर्मी पड़ रही होगी, अंदाज़ा लगाएं हम लोग घर पहुंचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस घर पहुंच चुका हूं और अभी मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूं, जो आप लोगों ने देख लिया होगा। बाइक रेडी फॉर ईद, ये देखें अपलोड हो रहा है यहाँ पे। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, व्लॉग अपलोड होगा और उसके बाद मैं थोड़ी देर जाकर रेस्ट करूँगा। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह शाम को जो होगा वो न्यू व्लॉग बनाएंगे उसका। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ईद का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर 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 पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोग खुश रखें, सलामत रखें, दुआओं में याद। फ़े अमान अल्लाह हाफिज़।